most haunted. तापोशी के भाई पीयूष के साथ कई सालों तक अजीबो करीब घटनाएं घटी। आज पीयूष मुंबई में रहता है और एक कॉल सेंटर में काम करता है। आज उसकी उम्र करीबन 32 साल की है, परंतु उसके साथ ये घटनाएं शुरू हुई तब जब उसकी उम्र थी केवल 15 साल। पीयूष के पिताजी का अपना व्यापार था और मां कोमला विद्या मंदिर में एक बंगाली अध्यापक। ख्यालातों के हिसाब से वो काफी आधुनिक थे, इसलिए पहले पहले पीयूष की परेशानी को उन्होंने उसके वहम का नाम दिया, परंतु धीरे धीरे उनको भी यकीन होता गया कि पीयूष की बातों में सच्चाई है। पीयूष को रात को सोते के साथ ही एक 15 साल की लड़की रोते हुए दिखाई देती। सपने में ही जब पीयूष उससे पूछता कि वो क्यों रो रही है, तो वो और जोर जोर से रोने लगती। पीयूष को हर दिन रात को ये सपना एक ना एक बार जरूर आता। धीरे धीरे आलम यह हो गया कि उसे यह सपना दिन में भी आने लगा। जब कभी दोपहर में उसकी आंख लगती, उसे यह सपना आता, और जब जब इस सपने से उसकी आंखें खुलती तो पसीने से उसका शरीर तरबतर होता। पीयूष ने अपने मां बाप से उसके इस सपने का जिक्र किया, परंतु किसी ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया। एकमात्र उसकी बहन तापोशी उसका सहारा थी। तापोशी ने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद की ओर भी थोड़ा ध्यान दे। हो सकता है कि अगर उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाए तो ये परेशानी उसकी शायद धीरे धीरे खत्म हो जाए। तापोशी ने यहां एक गलती कर दी। उसकी शायद ये समझ नहीं आया कि उसके भाई पीयूष की परेशानी खुली आंखों के नहीं बंद आंखों के सामने आती है। वो हर रात अपने भाई पीयूष के बगल में सोती, अर्थात तापोशी, और उसने अधिकतर अपने भाई को रात की तन्हाइयों में रोता हुआ पाया। पूछने पर कारण वही सपने निकलते। पीयूष की उम्र बढ़ती गई, विद्यालय से अब उसने विश्वविद्यालय यानी कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया था। यह उसके कॉलेज का पहला दिन था जब पहली बार उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखा। कॉलेज के पहले दिन पीयूष के साथ उसकी दीदी भी गई थी उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए। कॉलेज के मेन गेट पर दूर से पीयूष को एक 15 साल की लड़की दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे उसके कदम आगे कॉलेज की मेन गेट की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उसका सपना उसकी आंखों के सामने आता गया। जिस लड़की को पिछले कई सालों से पीयूष अपने सपने में देख रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। पीयूष ने अपनी बहन तापोशी से कहा, देखो दीदी, ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। परंतु अचंभित कर देने वाली बात यही थी कि तापोशी को उस दरवाजे के सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करी, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। उल्टे चीख चीख कर तापोशी को झूठा कह रहा था, क्योंकि वो लड़की उसे साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन पहली बार
उसने उस लड़की को रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए देखा था। इस घटना के बाद से अक्सर पीयूष को वो लड़की दिन के उजाले में यहां वहां दिखने लगी और आश्चर्यजनक रूप से अब रात को उसे वो सपने आना बंद हो चुके थे। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से उसकी इस परेशानी के बारे में जिक्र किया तो उसके दोस्त उसे पागल पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके इन हालात में उसकी मुलाकात हुई रीता नाम की एक लड़की के साथ। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार उमड़ने लगा और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद इस रिश्ते को अंजाम देने की ठान ली। पीयूष की इस बेरंग जिंदगी में खुशी का एकमात्र सहारा रीता ही थी। पीयूष ने करीबन 10 सालों तक रीता के सामने अपनी इस परेशानी का जिक्र नहीं करा था। 1995 में शुरू हुई यह घटनाएं साल 2008 की जून में जाकर खत्म हुई। पीयूष की उम्र बढ़ती जा रही थी परंतु पीयूष को दिखाई देने वाली उस लड़की के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। पीयूष अब इन बातों को धीरे धीरे भुलाना चाहता था परंतु उस लड़की का उसे यूं दिखने के पीछे राज क्या था? बंगाली शादियों में शादी से पहले आशीर्वाद की एक रस्म होती है। आशीर्वाद की इस रस्म के बाद परिवार वालों की रजामंदी से शादी से पहले पीयूष और रीता एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए नैनीताल गए। पीयूष और रीता उस दिन शाम को घूमने के लिए निकले। वो दोनों पहाड़ी की एक चोटी पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर चले जा रहे थे ताकि वो वहां से सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को देख सके और अपने कैमरे में प्यार के उन हसीन पलों को कैद कर सके। उनके साथ एक बाइनोकुलर भी था जो पीयूष ने अपने हाथों में ले रखा था। पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ाई करते वक्त पीयूष ने ऊपर से एक परिवार को नीचे की ओर उतरते देखा और आश्चर्यजनक रूप से उस परिवार के ठीक सामने चल रही थी वही 15 साल की बच्ची जिसे वो अक्सर अपनी आंखों के सामने देखा करता था। पीयूष सुबुद खोकर उस लड़की को देखा जा रहा था और वो लड़की भी पीयूष की ओर देखी जा रही थी और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए थी। न जाने पीयूष को अचानक से क्या हुआ, उसने अपने कदम पलटे और दौड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। सब चीजों से अज्ञात रीता उसके पीछे पीछे दौड़ती गई और उससे पूछती रही कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है, हम तो ऊपर जाने वाले थे, फिर अचानक तुम दौड़ते हुए नीचे क्यों जा रहे हो? पीयूष ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नीचे की ओर बहुत तेजी से दौड़ता चला गया। रीता के लाख पूछने के बावजूद पीयूष ने कुछ कहने से मना कर दिया। नीचे पहुंचकर ही आखिरकार पीयूष रुका और रीता अब इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो पीयूष से अब कुछ भी पूछने की इच्छुक नहीं थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े चुपचाप एक दूसरे को देखते जा रहे थे। तभी रीता ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले कि पीयूष रीता को कोई जवाब दे पाता, किसी ने पीछे से पीयूष को छूते हुए उसे बुलाया।
पलट कर देखते ही नैनीताल की ठंड में उसके सर से पसीना बह रहा था। डर से उसके पांव कांप रहे थे। पीयूष उस लड़की पर चिल्लाता हुआ पूछ रहा था, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे पीछे आती रहती हो? उसकी सभी बातों को सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, अंकल आपका बाइनोक्युलर गिर गया था। बाइनोक्युलर लेकर पीयूष ने एक बार रीता की तरफ देखा। रीता उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। फिर पीयूष वापस उस लड़की की तरफ पलटा जो अब वहां थी ही नहीं। उसने रीता से पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा? तो रीता उस पर चिल्लाती हुई कहने लगी, तुम क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, किस लड़की की बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को भी यहां नहीं देखा। पीयूष को लग रहा था कि रीता उससे झूठ बोल रही है। आज पहली बार पीयूष ने उस लड़की की आवाज भी सुनी थी। उसे यकीन था कि उसने उसी लड़की को देखा जो उसके सपने में आती थी और जो उसे वहां दिखाई देती थी। रीता पीयूष पर बहुत गुस्सा थी। उसे समझाने के लिए पीयूष ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। रीता को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पीयूष की बहन तापोशी से बात करी और तब जाकर उसे यकीन आया कि पीयूष सच बोल रहा था। सच जाने के बाद भी दोनों के बीच मन मुटाव बने रहे, क्योंकि ये सच छुपाने के लिए रीता उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। झगड़ते झगड़ते रात काफी हो गई थी और दोनों सोने चले गए। ये रात पीयूष के लिए आखिरी रात थी उसके सपनों के हिसाब से। इस रात पीयूष को एक बार और सपना आया जहां उस लड़की ने उससे कहा कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। ये बात आज से 40 साल पुरानी है। आपने मेरी और मेरी मां की संपत्ति हड़पने के लिए हमारा खून कर दिया था। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। आपको देखकर कभी मुझे डर से रोना आता था तो कभी आपकी हालत देखकर हंसी। बस इसके साथ ही उसका ये सपना खत्म हो गया और पीयूष की नींद टूट गई। उस दिन के बाद पीयूष ने दोबारा कभी उस लड़की को अपने सपने में नहीं देखा। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।